गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में प्रैक्टिस शीट, क्वेश्चन नंबर 16। मिस्टर अभिषेक इज अ सीनियर सिटीजन, मॉर्गेज इज रेजिडेंशियल हाउस विद अ बैंक अंडर अ नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। तो सिंपल है यार, एग्जेम्प्ट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो हाँ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलो 17। एग्जामिन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एलाइनेशन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर द स्कीम मेड एंड नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन। फॉल्स, ट्रांसफर नहीं माना जाता। जीरो कूपन बॉन्ड फॉर एलिजिबल कॉरपोरेशन हेल्ड फॉर 12 मंथ्स विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ट्रू, जीरो कूपन बॉन्ड 12 महीने में लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। जीरो कूपन मीन्स बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड ऑन विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट आर रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर मैच्योरिटी और रिडेम्पशन। ट्रू, जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं इसमें, डीप डिस्काउंट बोलते हैं इसमें। 18। मिस्टर ए कन्वर्ट्स हिज कैपिटल एसेट एक्वायर्ड फॉर अमाउंट ऑफ 50,000 जून 2003 इनटू स्टॉक इन ट्रेड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इज 4,50,000, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। द स्टॉक इन ट्रेड वॉज सोल्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 6,50,000 इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2023। वॉट विल बी द टैक्स? सिंपल है, तो हो जाएगा ये भी। हाँ, मीन्स खरीदा था 50,000 में, 2003 से लेके 22-23 तक क्या हो जाएगा इंडेक्सेशन, 4,50,000 में से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल गेन। अब ये स्टॉक इन ट्रेड बन चुका है, स्टॉक इन ट्रेड के लिए कॉस्ट मानी जाएगी 4,50,000, बेचा है असल में कितने में 6,50,000, 2,00,000 इनकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम। सिंपल है। सिंघानिया एंड कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप ओन 6 मशीन पुट इन यूज फॉर बिजनेस इन मार्च 2022। The depreciation on these machines is charged 15%. The opening balance of these machines after providing depreciation for previous year 22-23 was 8,50,000. So, underline karo, hamare liye to yehi amount kaam ka hai. 3 of the old machines were sold in June 10, 2023 for 11,00,000. 6 mein se 3 hi bechi hai. Asset to baki hai, par zyada mein bechi hai, value baki nahi hai. To capital gain aayega. Formality ke liye block ko to kya kar denge apan, 0. 850 mein se 850 minus karenge, 0 aa jayega. फिर आएंगे अपन यहाँ पे, कितने में बेचा 11,00,000, माइनस करेंगे टोटल डब्ल्यू टी वी 8,50,000, है ना, कितना बचा 3,50,000, नहीं 2,50,000, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अ सेकेंड हैंड, अरे यार इसमें लफड़ा है, इसमें एक लफड़ा है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, सॉरी, क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं। इसने एक ऐसा परचेज भी किया है ना, तो पहले परचेज ऐड करेंगे फिर सेल क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं फिर तो, है ना, फिर तो 8,50,000 और 8,50,000 जो नया परचेज 17 में से 11 गया, कितना बचा 6,00,000 का क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। हाँ हाफ रेट से लगेगा, ये मैं कह रहा हूँ क्या, सबको समझ में आ गया, हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। वैल्यू कम बची है, वैल्यू कम बची है ना बेटा, वैल्यू ही 6,00,000 बची है, हमें तो 850 पे हाफ रेट से लगाना था पर बचा ही, हाँ हाँ बता रहा हूँ पूरा, वैल्यू ही 6,00,000 बची है, तो अप टू 8,50,000 हाफ रेट तक लगाते, 6,00,000 बचा है, पूरे 6,00,000 पे हाफ रेट, अगर मान लो 10,00,000 बचता तो 850 पे तो हाफ रेट और 150 के ऊपर फुल रेट, प्रायोरिटी हाफ रेट वाले को दी जाती है ना। इफ सिंघानिया कंपनी, थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूं, इफ सिंघानिया कंपनी हैड सोल्ड द 3 मशीन्स इन जून 2023 फॉर 21,00,000 एंड विल देयर बी एनी डिफरेंस इन योर अबव वर्किंग्स। ठीक है सर, 850 17 होता है, हमने बेच दिया 21 में तो ज्यादा है बेचा, असेट वैल्यू बाकी नहीं रही, तो 21 माइनस 17 4,00,000 का कैपिटल गेन आ जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये भी मेरे को स्लम सेल वाला दिख रहा है, हाँ स्लम सेल वाला है। इस क्वेश्चन में जो खास बात ध्यान रखनी है आपको स्लम सेल में, वो है रिवैल्यूएशन, कि अगर किसी वैल्यू को रिवैल्यूट किया गया है तो उसका रिवैल्यूएशन इफेक्ट हमें हटाना होता है, क्योंकि अगर ये रिवैल्यूएशन करना अलाउड होता, मतलब विद इन 3 ईयर्स में, पिछले 3 साल में कोई सा भी रिवैल्यूएशन किया गया है तो उसको हटाना होता है, क्योंकि अगर ये अलाउड होता रिवैल्यूएशन करना
तो हर कोई सेल करने से पहले अपने एसेट्स को क्या कर देता, रिवैल्यू कर देता और फिर बेचता, तो उसका कैपिटल गेन क्या आ जाता, कम आ जाता। ठीक है, ये कर रखा है क्या तुम लोगों ने, जिसने कर रखा है उनको समझ में आ गया क्या? रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑफ यूनिट वन। तूने बादाम खाना चालू किया, पक्का कर दिया, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, महीने हुए, दो महीने हुए कि दो तीन महीने हो गए? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे असर दिखेगा। अभी तो बोला बेटा मैंने कि अगर असेट रिवैल्यू कर रखा है तो उसको अपन को रिवैल्यूशन का इफेक्ट हटाना होगा। तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में यही तो लिखा है कि जो रिवैल्यूशन रिजर्व है वो कैसे क्रिएट किया गया, बिल्डिंग की वैल्यू को अपवर्ड करके क्रिएट किया गया। इसका मतलब मैंने बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख रुपीज़ से क्या कर रखी है, अपवर्ड रिवैल्यू कर रखी है, तो मुझे बिल्डिंग में से 3 लाख रुपीज़ माइनस करने पड़े, बस। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया सबको ये पॉइंट? बोल बेटा क्या डाउट है? किसका टोटल कंसीडरेशन है इसमें? लैंड बिल्डिंग भी है क्या? मिस्टर ए इज अ प्रोप्राइटर ऑफ आकाश एंड ब्रदर्स हैविंग टू यूनिट्स, ही ट्रांसफर्ड 1/4 यूनिट 1 बाय वे ऑफ स्लम सेल फॉर द कंसीडरेशन 25 लाख। दफे में 25 लाख ही लिया होगा, फेयर मार्केट वैल्यू से आ रहा आंसर। हाँ, फेयर मार्केट वैल्यू ले रखा है। लिखो वहां पे स्लम सेल वाले, उसमें नोट्स निकालो। ये फेयर मार्केट वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से ली जाती है, क्योंकि उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का भी केस आ जाता है ना, इसलिए। तो स्लम सेल वाले जो नोट्स है उसके ऊपर लिख दो, देना बेटा नोट्स एक मिनट दिखाने के लिए। ऊपर ही ऊपर लिख दो, फेयर मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू, फेयर मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू सेल कंसीडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इक्वल्स टू, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इक्वल्स टू सेल कंसीडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो 25 और 30, 30 ले रखा है सॉल्यूशन। ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू भी पढ़ाई क्या आप लोगों ने, करा दूं? हाँ, मिस्टर सी ये हो जाएगा ना तुम लोगों से, बुक वैल्यू माइनस करनी है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो डेप्रिशिएबल असेट है उसकी WDV, जो नॉन डेप्रिशिएबल असेट है उसकी बुक वैल्यू। ठीक है, 21 मिस्टर सी परचेज एन रेजिडेंशियल हाउस ऑन July 20, 2021 फॉर 10 लाख and made some additions to the house incurring 2 lakh in August 2021. He sold the house property in April 2023 for 20 lakh. Out of the sale proceeds, he spent 5 lakh to purchase another house property in September 2023. अब चक्कर ये है कि इसने July 2021 में खरीदा, July 2021 के बाद April 2023 में तो बेच भी दिया, तो 2 साल पूरे नहीं हुए। तो जो कैपिटल गेन है वो कौन सा है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको एग्जेम्पशन अलाउड नहीं है। तो वैसे तो हमें पढ़ते ही क्या लगता है, तो रेजिडेंशियल हाउस बेचा और नया रेजिडेंशियल हाउस उसने खरीदा, सेक्शन 54 अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है फिर तो आंसर। हमने बेचा 20 लाख में और कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2 लाख, 12 लाख माइनस हो जाएंगे, 8 लाख का कैपिटल गेन है। ठीक है, कैलकुलेट द इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द एस्टिमेटेड 24-25 इन द फॉलोइंग केसेस। टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मिस्टर ए 2,40,000, 3,10,000, 5,90,000, 4,80,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 85,000 फ्रॉम सेल ऑफ वैकेंट साइट, 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एसटीडी पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, 60,000 फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, नल।
If Mr. A, B, Mr. A, Mrs. B, Mr. C, Mr. D pay tax under default tax regime 115 BAC, if they exercise the option to shift out to the default tax regime and pay under the optional tax regime as per normal provisions of Act. ये दोनों ही cases capital gain के नहीं हैं, tax rebate and relief वाले cases हैं. ये chapter अपन जब पांचों head पढ़ लेंगे, उसके बाद deductions पढ़ लेंगे, set off carry forward, ये सारे chapters पढ़ लेंगे, तो ये last second chapter है हमारा जो मुझे आपको पढ़ाना है. पर मैं थीम आपको बता देता हूँ, सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम जाएगा. पूरे रूल्स अच्छे से पढ़ाने पड़ेंगे फिर सॉल्व होगा. ये एक तो इसमें नॉर्मल टैक्स रिजाइम और अल्टरनेट टैक्स रिजाइम वाली बात आ रही है. समझते हो आप लोग क्या चीज़ है? नॉर्मल टैक्स रिजाइम में पहले 2.5 लाख माफ, फिर 5%, फिर 20%, फिर 30%. इसमें आपको वेरियस डिडक्शंस मिलते हैं जो अभी अपन ने पढ़े नहीं है. फिर आते हैं अपन अल्टरनेट टैक्स रिजाइम में, जिसमें वो 3 लाख की टेबल चलती है. अप टू 3 लाख, 3 लाख टू 6, 6 टू 9, 9 टू 12, 12 टू 15 एंड 15 अबव. तुझे याद नहीं है? ये है, इनको भी इतना ही याद है जितना अभी मैंने बोला. ठीक है, दो तरीके से टैक्स रेट दे सकते हैं अपन, या तो ज़्यादा वाली टैक्स दे दो या फिर कम वाला टैक्स दे दो. ज़्यादा वाला टैक्स दोगे तो बहुत सारे डिडक्शंस अलाउड होंगे जो अभी अपन पढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे, जैसे सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन है, ये सब अलाउड हो जाएगा. लेकिन कम टैक्स रेट से टैक्स पे करोगे तो बहुत सारे डिडक्शंस आपके छीन लिए जाएंगे, आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगा. मतलब उसमें आपको अब कंपेयर करना पड़ता है कि डिडक्शंस लेने के बाद मेरी इनकम कम है तो टैक्स रेट ज़्यादा है, डिडक्शंस ना लेने पे मेरी इनकम ज़्यादा है तो टैक्स रेट क्या है मेरी कम है. तो हम तो एब्सोल्यूट नंबर पे चलते हैं, कम इनकम ज़्यादा टैक्स. तो कितने अमाउंट का टैक्स हुआ, से फॉर एग्जाम्पल 3 लाख का टैक्स देना पड़ता है. ज़्यादा इनकम कम टैक्स रेट तो कितना टैक्स लगा, से फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख रुपये टैक्स देना पड़ रहा है. तो मैं क्या चूज़ करूँगा, 2.5 लाख वाला. अगर मान लो यहाँ 3.5 लाख लगता तो मैं कौन सा वाला चूज़ करता, ये वाला. समझ रहे हो कि नहीं? अब इसका नाम क्या है, ये कम टैक्स ज़्यादा टैक्स? तो इसका नाम है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और रेगुलर टैक्स रिजीम. डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और रेगुलर टैक्स रिजीम. इस साल ये नाम है. इसके पिछले वाले साल का जो नाम था ना, वो बहुत सिंपल था, NTR और ATR, नॉर्मल टैक्स रिजाइम और अल्टरनेट टैक्स रिजाइम. नॉर्मल टैक्स रिजाइम जो मैं शुरू से पढ़ाऊँ, 2.5 लाख माफ वाला, 5%, 20%, 30%, ये नॉर्मल टैक्स रिजाइम आम जिंदगी. मेंटोस अल्टरनेट 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15. इस साल सरकार ने एक नया पासा फेंका. पहले क्या होता था कि नॉर्मल इज नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इज नॉर्मल, सबके ऊपर एप्लीकेबल. लेकिन अगर तुम्हें चूज करना है देन यू कैन चूज अल्टरनेट टैक्स रिजाइम. चॉइस तो है, लेकिन पहले बाय डिफॉल्ट क्या रहता था, नॉर्मल. आपको चूज करना है तो अल्टरनेट बोला ना, अल्टरनेट मतलब चाहो तो आप अल्टरनेट पे जा सकते हो. सरकार ने अब थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, नाउ अल्टरनेट इज द न्यू नॉर्मल. कि अब वो यूं कह रहे हैं कि पहले क्या अप्लाई होगा, अल्टरनेट. तो उसको अब बुक में क्वेश्चन में बोला जाता है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. क्या बोला जाता है? तो थोड़ा उल्टा है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा उल्टा है. डिफॉल्ट मतलब अल्टरनेट है ना. अब डिफॉल्ट से शिफ्ट करते हैं तो कहाँ आते हैं अपन, नॉर्मल पे. क्लियर है? ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा हूँ. क्यों नहीं करा रहा हूँ? क्योंकि ये पढ़ेंगे अपन टैक्स रिबेट एंड रिलीफ वाले चैप्टर में. उसमें हम यूँ पढ़ेंगे, कैपिटल गेन से जो रिलेटेड है उतना समझा देता हूँ. उसमें हम यूँ पढ़ेंगे कि भाई 2.5 लाख की लिमिट सबकी माफ़ है, 2.5 लाख की लिमिट सबकी माफ़, और कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है स्पेशल रेट से. समझो आप लोग कि यार 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख. लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर तो फ्लैट रेट कितनी है, 20%. उसमें 2 लाख हो, 4 लाख हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, 1 करोड़ हो, सब पे कितना लगता है, 20%. अब मान लो किसी की इनकम हुई, नॉर्मल अदर इनकम्स हुई 2 लाख रुपये और कैपिटल गेन भी हुआ 2 लाख रुपये. तो जो नॉर्मल इनकम है जिस पे स्लैब लगनी है वो तो 2 लाख ही है, उस पे तो कोई टैक्स लगेगा नहीं. और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 2 लाख है, उस पे कितना टैक्स रेट लगता है, 20%. तो उस पे कितना लगेगा, 40,000 टैक्स लगेगा. अब लगेगा तो सही, लेकिन इस बेचारे का तो नुकसान हो गया ना. ये अगर कहीं माइंड में यूँ सोच के बैठा होता कि सर मेरे तो 2 लाख और 2 लाख 4 लाख की इनकम है और मैंने तो ये सुन रखा है कि 2.5 लाख रुपये माफ़ होते हैं,
तो इस बेचारे के तो 2.5 लाख रुपए माफ हो ही नहीं पाए, जो मुकेश अंबानी के भी माफ हो रहे हैं। इसके तो सिर्फ 2 लाख ही इनकम माफ हुई, क्योंकि रेगुलर इनकम इसकी कितनी थी, 2 लाख ही थी। तो अब सरकार ने रूल बना रखा है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो तो सबको मिलेगी ही मिलेगी, भले ही आपकी नॉर्मल इनकम हो कि स्पेशल रेट की इनकम हो। अगर आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम है तो जो आपकी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, वर्ड सुनना क्या है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म इनकम में भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आया? इट मींस इस बच्चे की तो इनकम 2 लाख ही थी, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है, 2.5 लाख, तो अनएग्जॉस्टेड कितना बच गया, 50,000। तो 50,000 का बेनिफिट इसको किस में मिल जाएगा, 2 लाख रुपए में मिल जाएगा। समझ में आया? अब इस 2 लाख रुपए में से 50,000 इसके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के माफ हो जाएंगे, 1.5 लाख रुपए पे इसको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, डायरेक्टली 20%। ये रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, आप स्टार मार्क कर लो और चैप्टर का नाम लिख लो, टैक्स रिबेट एंड रिलीफ। टैक्स रिबेट एंड रिलीफ स्वागत है आप लोगों का ब्रेक के बाद। सिद्धि क्या कर रही है, क्या लिख रहा है? अच्छा चलो मेरी बात सुनो, ये ऑर्डिनरी शीट है, बेकार घटिया, कोई भी ऐसा दमदार क्वेश्चन तो आया ही नहीं इसमें। एक शीट और देंगे तुम्हें होमवर्क के लिए, बड़े बड़े क्वेश्चन छाट छाट के। अब एक सुप्रीम लेवल वाला क्वेश्चन, जो मतलब उसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं आता, उसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो क्वेश्चन सेक्शन 54 चालू नहीं किया, चालू, वो क्वेश्चन सेक्शन 54 एफ को बिलोंग करता है। तो पहले मुझे सेक्शन 54 एफ बताओ है क्या, कुछ भी बेच के हमने क्या खरीदा हो, रेजिडेंशियल हाउस खरीदा। सेक्शन 54 एफ में और बाकी सारे सेक्शंस में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस कुछ बोला तू? उसमें जो एग्जेम्पशन मिलता है वो कैसे मिलता है, प्रोपोर्शनल, बाकी सब में कैसे मिलता है, कंपैरिजन अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर। इसमें तो पूरा प्रोपोर्शनल निकलता है कि आपने नेट सेल कंसीडरेशन में से कितना पोर्शन इन्वेस्ट किया है, जितना परसेंटेज इन्वेस्ट किया है उतना ही कैपिटल गेन का परसेंटेज आपको क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। याद है कि नहीं याद आप लोगों को? हाँ, एक एग्जाम्पल ने 50 लाख में मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची, कोई सी भी एक्स वाई सी, गोल्ड ही बेचा 50 लाख में, जिसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, 20 लाख, तो कैपिटल गेन कितना है मेरा, 30 लाख। अब मुझे घर खरीदना है, घर मैंने खरीदा 25 लाख का, तो 50 लाख जो पैसे आए थे उसमें से कितने का घर खरीदा, 25 का, मतलब ओनली 50%, तो 30 लाख का भी कितना एग्जेम्प्ट होगा, 50%। मान लो मैंने घर खरीदा होता कितने का, 40 लाख का, तो 50 में से 40 लाख इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कितना, 80%, तो 30 लाख का भी कितना एग्जेम्प्ट होता, 80% एग्जेम्प्ट होता, मतलब 30 लाख का 80%, 24 लाख क्या हो जाता, एग्जेम्प्ट हो जाता। ठीक है, मींस अगर आपको पूरे 30 लाख इन्वेस्ट करने हैं तो पूरे 30 लाख एग्जेम्प्ट कराने हैं तो पूरे 50 लाख आपको क्या करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सबको समझ में आ रहा है? हाँ। अब इसमें एक सिचुएशन अराइज होती है कि मेरे पास है ना 3 अलग अलग असेट थे, मान लो एक तो था गोल्ड, एक था आइदर सिल्वर और एक था कोई कमर्शियल लैंड। लैंड इसलिए बोल रहा हूँ कि सेक्शन 54 अप्लाई ना हो जाए, सेक्शन 54 एफ में सिमिलरिटी है ना, वहाँ घर के बदले में घर या किसी के भी बदले में घर। ठीक है, अब आप लोग, मैं जिससे भी जो पूछूँ, एक नंबर चूज करके रखो 1 से लेके 10 के बीच में, नहीं 10 से लेके 100 के बीच में, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, कोई सा भी नंबर चूज करके रखो, आँख बंद करो, चूज करो, कर लिया चूज, ठीक है, चल रोहित 90, मतलब मैंने इनको सेल किया फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 90 लाख, 90, 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
सोच ली अपने आप को दे तू 10 बार 20 साले 10 20 30 40 पूरा 100 तक बोल के बताया मैंने।
फिर भी चूज कर रहा है 91-82। अरे भाई राउंड ऑफ टू 10 में चूज कर। हेलो हाँ बेजिंदी नहीं रास्ता मत से चल बेटा तू चूज कर 60। ट्रांसफर एक्सपेंसेस हम मानते हैं नहीं है। बताओ नेट सैलरी कितना बचेगा। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सेक्शन 54F लॉन्ग टर्म पे ही लगता है, शॉर्ट टर्म पे थोड़ी लगता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बोल भाई खुशी, खुश है तू आज? नंबर बोल 40। ओके नंबर रैंडम होना चाहिए हाँ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना, इनसे ज़्यादा मत बोल देना, लॉस नहीं आना चाहिए है ना। ओके बोल इंजिला 60। ओके बोल बेटा 30। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50, 20, 30। बहुत 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 ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। टोटल पैसा कितना है मेरे पास? 230। मैंने इस 230 में से 200 का एक रेसिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया, ठीक है? रेसिडेंशियल हाउस 54 तो सब पे लगता है। आप कुछ भी बेचो आपको कैपिटल गेन मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, क्योंकि आपने घर खरीदा। मैंने एक चीज़ नहीं बेची, दो नहीं तीन चीज़ बेची। अब तीन चीज़ बेच के मैंने क्या खरीदा? घर खरीदा, तो सेक्शन 54 का मिलेगा। कैसे मिलेगा सोचो आप, क्या करूँ कैसे नहीं रहा? इन टोटल कंपेयर कर लूँ? आप पहले आयरनी समझ रहे हो? मैं जो बात कहना जा रहा हूँ, जो डिफिकल्टी मैं जताना चाह रहा हूँ, वो समझ रहे हो क्या? मैं कह रहा हूँ मैंने एक चीज़ बेच के घर नहीं खरीदा। एक चीज़ बेचा होता तो आम जिंदगी आप आराम से फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन, मतलब 40 लाख का घर खरीदा अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन 50 लाख, तो 80% आ गया, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन। आराम से कंपेयर कर लोगे कि नहीं करोगे? अब मैंने एक चीज़ नहीं, दो नहीं, तीन चीज़ बेची। अब तीन चीज़ बेच के मैंने घर खरीदा है, 54F तीनों पे ही लग रहा है, तो कैसे लगाऊँ? अलग अलग इंटेंशंस आ सकते हैं। कोई कह देगा कि सर टोटल में लगा दो ना, क्या जा रहा है आपने बाप का? टोटल में लगा दो मतलब आप ये देख लो टोटल 230 है, 230 में से मैंने कितना इन्वेस्ट कर दिया 200, करो 200 डिवाइड बाई 230, कितना हो गया 86%। तो जो आपका टोटल कैपिटल गेन है, कितना है टोटल कैपिटल गेन? 1 करोड़ 100, इसका 86, इसका 86% एग्जेम्प्ट कर लो, मतलब आप एग्जेम्प्ट कितना कर लो 86। फॉर्मूला अगर अप्लाई करूं बच्चों की तरह, तो अमाउंट इन्वेस्टेड 200 अपॉन नेट सेल कंसीडरेशन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन, कितना 100। अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसीडरेशन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन, ये आ जाएगा अपना सेक्शन 54F, कितना आ रहा है बेटा 86। तो 86 एग्जेम्प्ट है आपका, बाकी का 14 क्या है आपका? टैक्सेबल। या तो आप ऐसे कर दो इन टोटल, या फिर और कोई बेटर अप्रोच है क्या? मैं एक बात कहूँ, इनकम टैक्स एक्ट में ये अप्रोच गिवन नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है, चाहो तो ऐसा कर सकते हो। इनकम टैक्स में जब किसी चीज़ के स्पेसिफिक रूल ना हो और हमारे पास अल्टरनेट अवेलेबल हो, तो हम कौन सा अल्टरनेट चूज करेंगे जिससे असेसी को फायदा हो रहा हो वो चूज करेंगे, ऐसा इनकम टैक्स खुद बोलता है। कि एग्जाम्पल, हमने आपको स्टॉक के वैल्यूएशन में फीफो भी अलाउ कर रखा है, लीफो भी अलाउ कर रखा है, तो आप कौन सा चूज करो? जो आपकी मर्जी है। और अगर मान लो असेसी वो ऑप्शन चूज करके आ गया, मान लो उसने फीफो यूज कर लिया जिससे उसकी इनकम क्या आ रही है? कम आ रही है, तो असेसिंग ऑफिसर ये कंटेंशन नहीं कर सकता, इस बात पे कंटेस्ट नहीं कर सकता कि नहीं नहीं तूने तो कम वाला क्यों चूज किया, ज्यादा वाला चूज कर। नहीं, ये इनकम टैक्स खुद बोलता है कि असेसी वो ऑप्शन चूज करे जिसमें उसका टैक्स क्या आ रहा हो? कम आ रहा है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे भी अप्रोचेस कुछ भी हो सकते हैं कि सर अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ये समझो कि मेरे पास टोटल पैसा कितना आ रहा है 230 और मैंने इन्वेस्ट कितना किया है 200, मतलब मैंने 100% इन्वेस्ट नहीं किया ना, 100% इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन अगर इस 200 को किसी इंडिविजुअल से कंपेयर करो तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल तो 100% पार हो जाएगा,
मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 90 में से मैंने 90 इन्वेस्ट किए क्या, चाहूँ तो कह सकता हूँ कि हाँ ये वाले 90 तो मैंने पूरे इन्वेस्ट किए, ये वाले पूरे इन्वेस्ट किए हैं, तो ये 50 तो पूरा क्या होना चाहिए मेरा एग्जेम्प्ट होना चाहिए। फिर मैं चाहूँ तो इसके लिए भी कह सकता हूँ कि ये 80 भी मैंने पूरे इन्वेस्ट किए, ये 80 पूरे इन्वेस्ट किए, तो ये 20 भी मेरा पूरा क्या होना चाहिए एग्जेम्प्ट होना चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों को मैंने पूरा पूरा कंज्यूम कर लिया तो फिर इसके लिए मैं ये बात नहीं कह सकता कि मैंने पूरा इन्वेस्ट किया, क्योंकि 90 प्लस 80 170 तो यही हो गए, और मैंने इन्वेस्ट कितना किया है 200, मतलब इसमें से तो सिर्फ मैंने कितना इन्वेस्ट किया 30। तो अब इधर तो क्या देखा जाएगा कि साला मैंने 60 में से कितना इन्वेस्ट किया 30, मतलब 50%, तो एग्जेम्पशन भी कितना मिलेगा 50%, तो इधर से तो 15 ही एग्जेम्प्ट होगा, 15 क्या हो जाएगा मेरा टैक्सेबल, यहाँ पे दोनों दोनों माफ हो गए पूरे पूरे, और ये 15 क्या हो गया मेरा टैक्सेबल हो गया, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। अगर इन टोटल देखते तो 14 आ रहा है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल देख रहे हैं तो इधर कितना आ रहा है 15। अब कोई और उल्टा खाएगा, फिर एक काम करो उल्टा चल लो, वहाँ देख लो, वहाँ चल के देखें तो अपन जो कहेंगे अबे 200 में से 60 ये वाले तो पूरे इन्वेस्ट किए, ये पूरा इन्वेस्ट किया था, ये पूरा एग्जेम, ये 80 भी पूरा इन्वेस्ट किया, ये पूरा इन्वेस्ट किया है तो ये पूरा एग्जेम, ठीक है। अब 60 और 80 कितने हो गए 140, तो अब मैंने तो इन्वेस्ट 200 ही किया है, 140 तो यहाँ से कंज्यूम हो गया, कितना बचा 60, मतलब इसमें से कितना इन्वेस्ट किया मैंने 60, तो इसका मतलब 90 में से 60 गया था 2/3, तो 50 का भी 2/3 33.33, तो टैक्सेबल कितना आएगा 6.67 16.67, ये लो उधर तो फिर भी 15 ही टैक्सेबल आ रहा था, यहाँ पे कितना आ रहा है 16.67 टैक्सेबल आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अब एक काम कर, पहले वाले में इसको छोड़ो, दूसरे वाले में इसको छोड़ो, तीसरे वाले में किसको छोड़ देते हैं इसको, मतलब ये वाला पूरा गया, 90 में से 90 इन्वेस्ट किए पूरा एग्जेम, 60 में से 60 इन्वेस्ट किए पूरा एग्जेम, 90 और 60 150, इन्वेस्ट कितना किया है 200 में 150 का तो एलोकेशन हो गया, कितना बचा 50, 80 में से 50 इन्वेस्ट किया है कितना परसेंट 62.5, मतलब 20 का भी 62.5 एग्जेम्प्ट हो जाए, 12.5 कितना आ रहा है 7.5, तो 7.5 इसमें क्या हो जाएगा मेरा टैक्सेबल, ये तो और भी बुरा चल रहा है, हाँ ये तो और भी मेरा पूरा चल रहा है, मतलब बेटर तो कौन सा है, इन टोटल वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, हाँ अच्छा सॉरी 7.5 तो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट थोड़ी है, हाँ तो ये ज़्यादा बेटर है ना। तो अब यानी हमने 4 बार सॉल्व कर लिया, देखो आप किया कि नहीं किया, ऐसे तो 3 चीज़ है उसमें 4 बार सॉल्व कर लिया, 4 होंगे तो कितनी 5 बार, फिर 6 बार, ऐसे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाता रहूँगा, तो फिर हमें कोई टेक्निक चाहिए ना जिससे हमें पता पड़ जाए कि सर जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसमें से पहला एलोकेशन किसका दूँ, फिर किसका दूँ, फिर किसका दूँ, ताकि मेरा मैक्सिमम अमाउंट क्या हो जाए एग्जेम्प्ट हो जाए। समझे कि नहीं समझे, प्रॉब्लम समझेंगे हिमानी, प्रॉब्लम समझेंगे तो सोल्यूशन समझ में आएगा, प्रॉब्लम समझ गया कि सर मैंने अगर 3 चीज़ बेची और तीनों का 100% इन्वेस्ट कर दिया होता तो ये प्रॉब्लम अराइज होती क्या, नहीं होती ना। मैंने तीनों का जो फुल कंसिडरेशन था उससे थोड़ा कम इन्वेस्ट किया है, तो अब मुझे ये देखना है कि किसको फुल एलोकेट करना है और किसको पार्शियल एलोकेट करना है, यही देखना है कि नहीं, तो किसकी लॉटरी लगे और किसकी पिक्चर बने, ये कैसे अपन देखेंगे, तो कैसे देखेंगे, तो अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखो अपना फॉर्मूला क्या कहता है, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आएगा, इतना तो पढ़ के आया हो पासबुक पे। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे कर दूं, कोई चेंज आया हो क्या, पक्का कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे कर दूं तो कोई चेंज आएगा क्या, पक्का नहीं आएगा ना, मल्टीप्लाई भी तो मल्टीप्लाई तो हो रहा है, प्लस माइनस थोड़ी हो रहा है,
पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये फर्क नहीं आया है, पक्का एग्री करते हो तुम फर्क नहीं आया, ठीक है आप जरा समझो। प्रॉब्लम क्या है कि सर मैंने तीन असेट बेचे हैं तो हर असेट का नेट सेल कंसिडरेशन और कैपिटल गेन अलग आएगा, लेकिन खरीदी तो एक ही चीज़ है, मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड तो क्या रहेगा कॉमन, तो जो कॉमन रहेगा उसको अलग कर लूँ, जो चेंज हो रहा है वो इन दोनों की वजह से ही चेंज हो रहा है। तो अब एक काम करो, ये दोनों फैक्टर हर किसी के अलग अलग हैं तो ये कैलकुलेट कर लो, मीन्स अगर पहले वाले में कैलकुलेट करें तो 90 नेट सेल कैसे और 50 यार कितना परसेंटेज आ रहा तुम्हारा, 62.5 बोला था तुमने शायद, 50 डिवाइड बाई 90 कितना आ रहा है, 55.55% परसेंटेज ही आया ना, ठीक है। 20 अपॉन 80 करें तो कितना आ रहा है, 25%, ठीक है। 30 अपॉन 60 करें तो कितना आ रहा है, 50%। यही मेरा आंसर है, समझ लो कि अगर मान लो मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे तो यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो उसमें से कितना एग्जेम्प्ट होगा, 55.55 ही एग्जेम्प्ट होगा। अमाउंट तो वही है ना बेटा, परसेंटेज तो इन दोनों की वजह से ही चेंज हो रहा है। ये अमाउंट तो क्या है, कॉमन है तो इसको मैं कहीं भी रखूँ, अगर मैं ये अमाउंट यहाँ रखूँगा तो इस अमाउंट का 55.55 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर ये अमाउंट मैं यहाँ रखूँगा तो सिर्फ 25 ही एग्जेम्प्ट हो, तो बेटर कौन सा, इधर एग्जेम्प्ट कराऊँ कि उधर एग्जेम्प्ट कराऊँ, इधर एग्जेम्प्ट कराना बेटर है ना, ठीक है। अगर मैं अमाउंट यहाँ रखूंगा तो कितना एग्जेम्प्ट होगा, 50% ही एग्जेम्प्ट होगा, तो ज़्यादा बेटर कौन सा है, इन सब में सबसे बेटर कौन सा है, ये वाला। तो इसकी होगी रैंक वन कि सबसे पहले किसका नंबर लगेगा, इसका, क्योंकि यहाँ पे हमें मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलता है, फिर नंबर किसका लगेगा, इसका सेकंड रैंक, और आखिरी में कुछ बचा होगा तो उस पे किसका नंबर लगेगा, इसका, क्लियर। और जो की है वो आपकी वो है ये सेंटर में जो लिखा हुआ, और इसका भी मैंने डेरिवेशन बता दिया आपको, वो कैसे होता है, बस वो नेट सेल कंसिडरेशन यहाँ से उठ के कहाँ आ जाता है, यहाँ पर, क्योंकि अब जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो एक सिंगल एसेट में, तो वो कॉमन है, जो चीज़ें चेंज होगी वो किसकी वजह से होगी, इनकी वजह से। तो हम हर चीज़ का, हर असेट का नेट सेल अमाउंट, सॉरी कैपिटल गेन अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, कैपिटल गेन अमाउंट नेट सेल कंसिडरेशन, कैपिटल गेन अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, इसको मैं यूँ कर देता हूँ, कैपिटल गेन अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, ये परसेंटेज निकाल लो, इसको अपन बोलते हैं रैंकिंग। क्या बोलते हैं इसको अपन, रैंकिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन, कि किसका कैपिटल गेन कितना है। सर इसमें से 55.55% कैपिटल गेन, इसको बेचा तो सिर्फ 25% का कैपिटल गेन हुआ, इसको बेचा तो 50% का कैपिटल गेन हुआ। अब जिसका हाईएस्ट कैपिटल गेन है उसमें हाईएस्ट क्या मिलेगा, अपन को एग्जेम्पशन भी मिलेगा। तो अब जरा कंपेयर करो, देखो अब सेक्शन 54F अप्लाई करते हैं, सेक्शन 54F अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, मैंने तो 200 का घर खरीदा है और इस वाले असेट से तो मुझे 90 आए थे, तो मैं क्या कहूँगा, सर 90 तो किस में से चले गए, गोल्ड में चले गए, ये 90, मतलब 90 आए, पूरे 90 इन्वेस्ट कर दिए, 100% इन्वेस्ट किया है, 100% क्या हो जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 50 से 50 पूरा एग्जेम्प्ट हो गया आपका, कैपिटल गेन कितना होगा, टैक्सेबल 0। सेकेंड नंबर किसका लगा, इनका, तो इसमें क्या देखा जाएगा कि सर इसमें से पैसे कितने आए थे, 60, मैंने तो 200 रुपये खरीदा, 90 ही इन्वेस्ट किए थे तो कितने बचे थे, 110, तो अब सिल्वर में से कितना है, 60, ठीक है, सिल्वर में से 60 पूरा इन्वेस्ट, तो पूरा एग्जेम, मतलब यहाँ पे अगर 30 कैपिटल गेन है तो पूरा 30 क्या है, एग्जेम, क्लियर। अब बचा कुचा नंबर किसका लगेगा, थर्ड वाला। अब सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही कितना बचा है, 50, और मेरा नेट सेल कंसिडरेशन कितना है, 80, इसका मतलब मैंने 80 में से कितने इन्वेस्ट किए, 50, तो इधर अब फॉर्मूला अप्लाई होगा, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है वो, 50 अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन कितनी है वो, 80, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन कितना है वो, 20, करो 12.5 एग्जेम्प्ट, तो टैक्सेबल कितना होगा, 7.5, समझ में आया कि नहीं आया। इससे ऊपर लेवल वाला कोई क्वेश्चन नहीं है कैपिटल गेन, यहाँ पे हमें चूज करना पड़ता है कि किसको हमने फुली इन्वेस्ट किया, किसको हमने पार्शियल इन्वेस्ट किया। सर कैसे करते हैं, छोटा सा फेर बदल करके,
कौन सा छोटा सा फेरबदल? आपके नोट्स में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो ये है, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन। छोटा सा चेंज क्या करना है, नेट सेल कंसिडरेशन को उठा के यहाँ ले आना है, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड तो एक ही मकान है कॉमन है, तो ये फैक्टर कैलकुलेट कर लो सबका कि कितना परसेंट कैपिटल गेन हो रहा है, जितना परसेंट कैपिटल गेन है उतना ही क्या है एग्जेम्प्ट है। समझ में आया कि नहीं? जिस चीज़ को समझ में नहीं आया हैंड रेज़ करके पूछ सकते हैं। सबको समझ में आया? इसको थोड़ा सिंपल करो, समझाने के लिए थोड़ा सिंपल करो। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर बोल रहे हैं तो होता ही होगा, बहुत सारे को ये लग रहा है कि सर बोल रहे हैं तो होता ही होगा। मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझा। मान लो मैंने सब जगह अब नेट सेल कैंसिलेशन सेम कर लिया, सब जगह नेट सेल कैंसिलेशन सेम है, ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यही है जो लिखी हुई है, तो अब आपका कैपिटल गेन कितना आ रहा है 40, कितना आ रहा है 20, कितना आ रहा है। अब आप इजीली समझ जाओगे इस लॉजिक को। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर मान लो सब जगह से 80 रुपये आ रहे और मैंने इस 80 का इस्तेमाल करके एक घर खरीदा, पूरे 80 का ही घर खरीदा, तो आप 54 का एग्जेंप्शन तीनों में से किसी भी ले सकते हो। तो देखो बेटा, अगर आप ये वाले 80 इन्वेस्ट करोगे तो 100% इन्वेस्ट किया तो एग्जेंप्शन कितने का मिलेगा 40 का, क्योंकि 100 एग्जेंप्ट होगा तो 40। इधर 80 इन्वेस्ट करने से कितने का एग्जेंप्शन मिलता है 40 का, इधर 80 इन्वेस्ट करने से कितने का एग्जेंप्शन मिल रहा है 20 का, और इधर 80 इन्वेस्ट करने से कितने का एग्जेंप्शन मिल रहा है 50 का। तो बेटर वाला कौन सा है, 50 वाला बेटर है कि नहीं है? मतलब जिसका कैपिटल गेन ज्यादा उसका एग्जेंप्शन भी ज्यादा। अभी ये सिंपल वाली लाइन, जिसका कैपिटल गेन ज्यादा उसका एग्जेंप्शन ज्यादा, ये क्यों अप्लाई हो रही है? क्योंकि नेट सेल कंसीडरेशन क्या है, सेम है। अगर नेट सेल कंसीडरेशन में चेंज कर लो तो लाइन सिंपल वाली नहीं रहेगी, लाइन किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी अपन को, प्रोपोर्शन में, कि किसका कितना परसेंट कैपिटल गेन हो रहा है। अब समझ में आया अच्छे से? हाँ इमानी, चलूँ मैं? नहीं करेंगे ना, फीफो से करने में नुकसान हो रहा है हमारा, तो नुकसान क्यों करेंगे? मतलब यूँ समझो, सर हमें समझने में दिक्कत हो रही है, हमारे लिए पढ़ाई डिफिकल्ट हो रही है, तो किसी का लाखों का नुकसान हो रहा है तो होने दो, थोड़ी करेंगे। छोटा सा कैलकुलेशन करने से किसी के 6.5 लाख रुपये बच रहे हो, या 14 था या 6.5, 7.5 है, किसी के 6.5 लाख रुपये बच रहे हो तो बचाएंगे नहीं बचाएंगे? उसके 6.5 बचाओगे तो थोड़ा बहुत तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी बात के तो पैसे मिलेंगे, समझे कि नहीं? क्लियर है? कब अप्लाई होता है, एक्सट्रीम वाली सिचुएशन है, कब अप्लाई होता है? जब कोई एक घर खरीदा हो और मल्टीपल असेट्स सोल्ड किए हों, तो एलोकेशन का मैटर है कि फंड्स किस में से एलोकेट किए जाए। किस में से एलोकेट करने के लिए आपको ये कैपिटल गेन अपॉन नेट सेल कंसीडरेशन की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से क्या देनी पड़ेगी, आपको रैंकिंग देनी पड़ेगी। जिसका पहला नंबर आया उसमें से फुल एलोकेट करो, जिसका सेकंड नंबर आया उसमें से देखो कितने बच्चे हैं, अगर फुल एलोकेट हो सकता है तो फुल एलोकेट करो, और यहीं ख़त्म हो गया तो पार्शियल एलोकेट करो। मतलब मान लो सिर्फ 200 नहीं 100 ही इन्वेस्ट किए होते तो 90 तो उसमें से पूरा दे देते अपन, और इधर 60 में से कितना देते, सिर्फ 10 देते, पर अपन ने तो 200 किया, तो सर ये सेकंड वाला भी फुल हो रहा है, थर्ड वाले की पिक्चर बन रही है बस, तो थर्ड वाले में से पार्शियल लोकेशन, ठीक है। अब तुम, मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो 250 इन्वेस्ट किए फिर भी तुम ये 1, 2, 3 कर रहे हो, तो ज़रूरत ही नहीं है बेटा, मैंने तो टोटल से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तीनों का 100, 100, 100 मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो सबका 100% क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्लियर है बात, डन। इसका एक क्वेश्चन आएगा, अब उस क्वेश्चन में और मेरे एग्जाम्पल में सिर्फ फर्क इतना सा रहेगा कि मैंने आपसे चूज करवाया है राउंड ऑफ टू 10, 90, 80, 60। उस क्वेश्चन में तो लैक्स में अजीब सी फिगर आएगी, 45 लैक्स 50,000, 62 लैक्स 75,200, ऐसे अजीब सी फिगर आएगी, तो आप डर जाओगे क्या उसको देख के? नहीं ना, खिलौना देख तो रखा है आपको, हाँ आपको सिर्फ परसेंटेज ही तो अप्लाई करनी है और 1, 2, 3 ही तो करना है, क्लियर? ओके, टाइम बताओ है क्या है हमारे पास, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा सी। कल हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे, तो कल की क्लास मिस मत करना, पहली क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी।